अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। हेमंत बेटा, समर बाबू, इसे शादी के पहले मिलना जुलना अच्छी बात नहीं है। पापा, वो शादी का कपड़ा मैच करने के लिए आए हैं। तुम लोगों को समर की शादी में मोसाड़ा करना पड़ेगा क्या? अरे, हमारे गुजराती में मामा भांजे की शादी में गिफ्ट लेकर आते, उसको मोसाड़ा बोलते। हाँ। अरे ये लंबे सरी, ओ भाई साहब की बारात क्या निकलवा रही है? उनकी बारात ना निकले उसके लिए कुछ कर। हेलो, वरना ओ घोटाला भाई की शादी हो जाएगी तेरे समधी के साथ, और तेरे पति यानी कि घोटाला भाई तेरी समतन बन जाएंगे। फोन करता है तो बात करो। आवाज कहाँ से आ रही है? ओहो, नहीं आएंगे बारात लेके, सोना चांदी और समर कुछ कर लेंगे। हीरा मोती क्या? अगर मेरा हेड आया तो मैं जीतूंगा, और अगर तुम्हारा हेड आया तो तुम जीतोगी। क्या चेस? मेरा नहीं आया। क्या हेड? और मेरा? तुम्हारा भी नहीं आया। क्या हेड? लगता है खराब है। क्या हमारी किस्मत, हम दोनों हार गए। तुम रो मत हीरा मोती, इस बार मैं नहीं लूंगा। क्या कुछ भी, और तुम भी मत लेना। क्या कुछ भी? नहीं आया। क्या कुछ भी, मैं जीत गया। क्या चेस? तो मैं हार गई? नहीं, तुम्हारा भी नहीं आया। क्या कुछ भी, तुम भी जीत गई। क्या चेस, हम दोनों जीत गए। तो हारा कौन? शिशिर, कल हम घर घर खेलेंगे। समरू, तुम दोनों को क्या देख रहे हो? तुम जिस काम के लिए आए हो वो करो ना। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। हम सच सच बता देते ना तुम्हारे पापा को कि मेरे जो पापा है वही मेरी बुआ है, और मेरी जो बुआ है वही मेरे पापा है। मैं एक एलियन हूँ और हमारा माखन एक ह्यूमेलियन है, यानी कि आधा ह्यूमन आधा एलियन। और उसके बाद मेरे पापा अपनी जेब में हाथ डालेंगे और बड़ी सी तोप निकालेंगे और तुम्हारी मम्मी को छोड़कर बाकी सबको उड़ा देंगे। देखो सब, मैंने बहुत मुश्किल से उनके दिमाग में ये बात डाली है कि लक्ष्मी बुआ की शादी की बात जानकर मम्मी उनसे नाराज हो गई है। बस एक बार मम्मी पापा के सामने जाकर उनसे ये बोल दे कि ये शादी मत कीजिए। लेकिन तुम्हारी मम्मी तो मर चुकी है ना, तो उनकी आत्मा आएगी ना, और वो होगी तुम। नहीं, देखो तुम्हारे पास तो इतनी सारी सुपर पावर है, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। मुझे ही उठना पड़ेगा। अरे पापा, हिल तो सही, वो उसे नीचे से निकलने तो दे। और तू इतना बाका बिहारी बन के भागता हुआ क्यों आया घोटाला पुत्र? अरे बोल भावना आंटी। हीरा मोती माँ बनने वाली है, और मैं बाप बनने वाला हूँ। हाय हाय सच। मुबारक हो मेरे भाई, मुबारक हो। मगर मामा ने भी एकदम सही वक्त पे मिठाई भेजी है, ये ले मुंह मीठा कर। तेरा डोबी। ए बा, तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अरे डोबे, शादी छोड़, अभी 15 दिन पहले तो दोनों मिले। ये लंबे घोटाले, कैसे तुम लोग माँ बाप बनने वाले हो? हम लोग घर घर खेलने वाले हैं, उसमें हीरा मोती माँ बनने वाली है, और मैं बाप बनने वाला हूँ। तो बराबर। अरे क्या तंबूरा तो बराबर? इसने हवा में किला बनाया और तू चढ़ भी गई डफोड़ मती।
एक मिनट बा, ये लंबे घोटाले, तू तो चेस लेके गया था ना खेलने के लिए, तो वो सब खेलना छोड़ के वो तो हमने खेल लिया और हम दोनों जीत भी गए। लो बोलो, मैच ड्रॉ हुआ ये तो सुना है, लेकिन दोनों जीत गए। ओ घोटाला पुत्र, हार तो तेरा भाई समर और वो सोना चांदी जाएंगे, अगर उन लोगों ने दौलत राम जी की अकल ठिकाने नहीं लगाई तो भाई कर क्या रहे हैं वो दोनों। समझू मतलब तुम्हारी सांसों में है धर्म। क्यूटी क्यूटी के क्यूटो। और कोई काम धंधा नहीं है आप लोगों को? अरे जिस काम के लिए आए वो कीजिए ना, जब देखो लगे रहते हैं। सॉरी नाना जी सो गए हैं, यही मौका है, जल्दी से बन जाइए मेरी नानी माँ। तुम्हारी मम्मी नहीं मेरे पापा हैं। हाँ, अब सुनो चंदू, डर नहीं जाओ। लक्ष्मी क्या क्या कर रही हो? छोड़िए ना लक्ष्मी जी, भैंसिया देख लेगी तो क्या सोचेगी? आप रे, ये तो सपना देख रहे। ए जुमरू, लक्ष्मी से अच्छी पत्नी कोई हो सकती है क्या? कैसे नहीं हो सकती, हो सकती, मैं हूँ ना। तो नारंगी का आवाज लगता है। नारंगी, तो सच में नारंगी है, हम कुछ सपना देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में नारंगी हूँ। लेकिन तुम तो कब की गुजर गई, वो हीरा मोती को जन्म देने के बाद। हाँ, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ सोनू चंदू के पापा। सोनू चंदू, ऐसा तो दामाद जी बोलते हैं, तुम ऐसा कब से बोलने लगी? मतलब तुम ऐसा काहे बोल रही हो बताओ। नहीं नहीं, मैं कहां समर की तरह बोल रही हूँ? अरे के मैया, तुमको दामाद जी का नाम भी पता है? नारंगी, मैं बाद में आती हूँ। अरे सुनो, जा रही हो? इतना साल बाद आई हो, आओ बैठो, बैठो बैठो बैठो। हाय भैया, मरने के बाद भी नहीं बदली हो, ऐसे ही बैठती हो अपने पति के चरणों में है। पर सब मतलब कैसी हो? मैं बहुत तकलीफ में हूँ। काहे? मेरे होते हुए आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? नारंगी, ये सवाल तुम कैसे कर सकती हो? ये तुम थोड़ी हो। अरे तुम तो आत्मा हो। 22 साल पहले जब तुम हमको तकलीफ में छोड़ के चली गई तब हम कुछ कहे तुमसे, और आज जब हमारा तकलीफ दूर करने वाला कोई आ गया है तो तुमको
मतलब तुम कहे आ रही हो बीच में? अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम कहीं नैनीताल घूमने गए थे। अब भगवान जी बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे का? यही यही समझाना चाहते थे तुमको कि इस सब भगवान का खेला है, किसी को बुलाता है तो किसी को भेजता है, जानती हो? नहीं। जिसको भेजा है ना ये बात, हू बहू तुम्हारी शक्ल की है, यही डील डॉल है समझ लो। अभी हम उसका फोटो दिखाते हैं। देखो यही है देखो। ओके भैया डर गई। अबे हम कहे कि धुआं काहे हो रहा है, आत्मा आती है तो धुआं भी आता है, अच्छा अच्छा का धुआं निकल जाता है। ए सोना चांदी हो नहीं रहे, मेरी एनर्जी कम हो गई लगती है। सोना चांदी ए झुमरू ये सब, अरे यहाँ आओ यहाँ आओ। अरे भैया तुम देखी क्या? किसको? नारंगी को। कहाँ? अरे यहाँ। कब? अभी। तुम चुप रहो ना बेटा। समर बाबू बाबा कितना अच्छा है ये। हैं? माने मुहूर्त तो ठीक है लेकिन आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं पापा वो दरअसल वो जा रहा था लेकिन आपने चिल्लाया ना तो इसलिए रुक गया। आप क्यों चिल्लाए? अरे मत पूछो। तुम लोगों ने नारंगी को देखा क्या? हाँ बहुत बार, मालकिन हर महीने हमको बोनस देती थी। तुम बकथोथर हो ना फटीचर आदमी। अरे हम पहले का बात नहीं कर रहे, हम अभी का बात कर रहे हैं। अभी कोई देखा है क्या? किसको? तुम थोड़ा देर चुप रहो ना, हमारी सोच रही है। अरे हमको दिखी अभी नारंगी। अब पापा आप सपना देखे होंगे। अरे नहीं हमने सच में देखा है भाई। अच्छा तब क्या बोल रही थी? बोलने आई थी कि उसको शादी से ना एतराज। ओके मैया ये तो वही है, ये तो वही है। कौन? अरे लक्ष्मी नारंगी बेटा, मतलब नारंगी ही लक्ष्मी का रूप लेकर हमारे जीवन में आई है। शरद बाबू के ब्याह में लक्ष्मी ऐसे 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 करके बात कर रही थी और आज तुम्हारी माँ भी ऐसे 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 करके बात कर रही थी। ये तो वही है, ये नारंगी ही लक्ष्मी का रूप लेकर के आई है। वो नहीं नहीं पापा नहीं नहीं पापा, अगर मम्मी लक्ष्मी बुआ का रूप लेके आती तो वो आपको शादी करने से मना क्यों करती? नहीं बेटा मना नहीं कर रही थी, वो तो हमको इशारा कर रही थी कि उसको इस शादी से एतराज नहीं है और लक्ष्मी और नारंगी एक ही है, तभी तो दोनों का एक्शन वहां एक के जैसे था। नारंगी हम तुम्हारा इशारा समझ गए और हम तुम्हारे इशारे का सम्मान भी करेंगे भाई। लक्ष्मी में हम तुम्हारा ही रूप देख के ब्याह करेंगे। लेकिन पापा फाइनल है भाई। पगली क्या किया तूने लकड़ बग्गे? ऐसे 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 करने के अलावा तुझे और कुछ नहीं आता? मैं क्या करता पापा, आप तो जानते ना कि मैं झूठ नहीं बोल पाता। यही बात मेरी सोनू चांदी भी मुझसे उस दिन कह रही थी जब हम फिल्म देखने गए थे। चुप कर तू। अगर अगर मेरी ऐना यहाँ होती ना तो ओके। वो कहती कि मैं किसी भी तरह दौलत अंकल के मन में ये आइडिया बिठा देनी चाहिए कि लक्ष्मी उनके लायक नहीं है। अरे ऐसा नहीं कर सकते हम लोग शरद, वो बहुत प्यार करते लक्ष्मी से। आप उस दिन वो कह रहे थे कि
बाजी, आप जब मंदिर बनाएंगे ना हम और आपको बिठाएंगे ना उस मंदिर में, तो मेरी लक्ष्मी आपकी बहुत सेवा करेगी। और मेरे मुंह से निकल गया शरद, क्या भाई साहब आप भी बताओ। अरे वो खुद नहीं संभाल पा रही अपने आप को। संभालिए। अरे लक्ष्मण झूला बहुत हिल रहा है, इधर खड़ा रहो। ए घोटाला दंपति, ये रोमांस बाद में कर लेना। रोमांस चल रहा है, ये रोमांस चल रहा है। देखे इसी दारू पी झूल रही है। मुद्दे पे आओ ने भाई। ये आपके भाई ने हाई क्लास आइडिया दिया है कि आपके समधी जी के मन में ये बात बिठा देते कि लक्ष्मी उनके लायक नहीं है। हाँ, लेकिन कैसे? सोचो, अगर लक्ष्मी की चाल चलन खराब हो तो? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक आइडिया भावना आंटी। चाल चलन मैं खराब कर सकता हूँ, ये देखिए। या थोड़ा और बाकड़ा चलिए ना, बाकड़ा और बेटर हो सकता है। वसंत बाकड़ा। फैंटास्टिक। ये तो अरे डफोड़ छोड़ डफोड़ बजा, बुद्धि वगैरह ना। चाल चलन का मतलब होता है, हे भगवान बद्दू समझाओ ऊपर से। देखिए, चाल चलन का मतलब होता है चाल चलन, वो चाल चलन नहीं होता है। क्या बोल रही हैं आप भावना आंटी? मेरे कहने का मतलब है कि वो चरित्र होता है, कैरेक्टर। का बाबा? हाँ बा। कंकड़ में से चावल निकालो। कितने? पगली अपना से भी सवाल करती है। ए हीरामोती बेटा, जरा फोन उठाओ। कौन सा? अरे ये जो बज रहा है वो वाला भाई। अभी? अभी ना, तक अगला जन्म में उठाओगी। क्या? अरे फोन पगली। कौन सा? अरे जो बज रहा है अभी। ए, तेरी के कहां गोल गोल घुमाने लगी है। अब घर में बाकी लोग मर गया है क्या? अरे झुमरुआ आया 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 आया। चंडाल फोन काहे नहीं उठाता, उठा ना रे। साहब फोन बसंत जी। काट दो की बहन लक्ष्मी का है। एकदम महालबड़ धो आदमी हो यार तुम, है? एक सांस में नहीं बोल सकता हूँ कि लक्ष्मी जी का फोन है। कट जाएगा, कट लगाओ, कट लगाओ। हेलो सुनिए, हम कार्ड देने आएंगे। घोटाला भाई, ऐसे इटला के बलखा के ऐसे क्या बात कर रहे हैं घोटाला भाई? जैसे कल उसने आपको लड़के वाले होके डांटा था, वैसे ही आप भी डांटो ना भाई। उनको बोल दीजिए कि कार देने के लिए कल हम 20 लाख लोगों को लेके आ रहे हैं, मतलब 20 लोगों को। हेलो लक्ष्मी जी, कुछ बोलिए ना, हमको तो शास्त्रीय संगीत सुनने का मन हो रहा है। संगीत गया तेल लेने। आप हमारी बात ध्यान से सुनिए, कल कार देने के लिए हमारे तरफ से 20 लोग आ रहे हैं। मैया, अरे तो गजब हो गया, ये तो बवाल हो गया भाई। ये आप अपना बकोतरा भाई बसंतवा को समझाइए, ऐसे पेश आता है लड़का वाला। हेलो, लेकिन लक्ष्मी जी आप तो लड़की वाली हैं। अरे नहीं नहीं, आज तो मैं समर की तरफ से बात कर रही हूँ ना, तो लड़के वाले ही हूँ ना। ओ राम जी, थोड़ा अकलवा का इस्तेमाल कीजिए ना, या वो भी थोड़ा छोड़ा है तबेले में। ये मैया, ये तो मतलब कमाल हो गया। लक्ष्मी जी आप हमको डांटी ना तो इतना हमको बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके मुंह से ना मोती झड़ रहा है भाई। हैं, बड़ा हुकुम भी चलाइए हम पे। एक बार शादी करके आ जाने दीजिए, फिर देखने ला क्या क्या चलाती हूँ मैं। हेलो काट दिया, बुरा चलाएंगे आप। आपको अपनी शादी करनी नहीं, बिगाड़नी है।
अरे भावना काकी, 20 रिश्तेदार बोल तो दिया पर इतने सारे लोग लाएंगे कहां से?